हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरी नई वीडियो में। और आज जब एक कंपनी मारुति यानी कि रिकमेंड करती है कि 1000 किलोमीटर पे या एक महीना जो पहले हो जाए तो आपकी गाड़ी की पहली सर्विस होती है, तो आज इसके 1000 तो नहीं हुए हैं, 900 कुछ किलोमीटर हुए हैं, पर आज ही हम इसकी सर्विस करा रहे हैं। और मतलब देखो, सबसे पहले बोलती है कि 1000 किलोमीटर या एक महीना जो पहले हो जाए, फिर 3 सर्विस फ्री मिलती हैं, बाकी तो आप अपनी मर्जी से करा सकते हो। तो वही जा रहे हैं आज। और दिक्कत की अगर मैं बात करूँ तो दिक्कत इसमें मेरे को बस दो लगी। सबसे पहली दिक्कत जरा मैं आपको उधर चल के दिखा देता हूँ। सबसे पहली जो दिक्कत है इस गाड़ी की वो ये देखो, इधर से ज़्यादा निकला हुआ है, ये कैमरे में शायद दिख नहीं रहा है, देखो इतना और अंदर जाना चाहिए, ये देखो ज़्यादा निकला हुआ है ये। और इस तरफ से अगर हम देखें तो ये देखो, ये बिल्कुल परफेक्ट है जितना होना चाहिए। और पता नहीं किसी ने ऐसे करके खोली है, कह सकता हूँ किसी ने ऐसे करके खोली है, यहाँ से खोली, जबकि खोलना आपको यहाँ से चाहिए। आपको नहीं पता, मैंने वो चीज़ आपको भी बता दी। और प्लस ORVM में दिक्कत है, इन वो ना ये वाला जो उधर वाला है वो जल्दी फोल्ड हो जाता है और ये थोड़ा एक सेकंड बाद फोल्ड होता है। मतलब फोल्ड होना दोनों साथ से शुरू होते हैं, वो पहले अपनी पोजीशन ले लेता है और ये बाद में लेता है। खुलने के समय भी सेम, वो पहले खुल के अपनी पोजीशन ले लेता है और ये बाद में लेता है। तो वो भी दिक्कत है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। और बाकी चलो फिर मिलते हैं आगे। सर्विस ये रहा पास्को ऑटोमोबाइल राजीव चौक। और 938 9 किलोमीटर चल गई है ये गाड़ी। पहला वाला फर्स्ट फ्री सर्विस का कूपन दिया है, ये देखो फर्स्ट फ्री इंस्पेक्शन कूपन है। ये गई अपनी गाड़ी, कुछ नहीं। चुपके से वीडियो बना, मना ना कर दें। तो राजीव चौक वाला है, बहुत बड़ा है, देखो भीड़ कितनी होती है मारुति पे, चाहे शोरूम देख लो चाहे सर्विस सेंटर देख लो। अब तो बिल्ड क्वालिटी को लेकर इतनी सारी अफवाहें फैल गई, तब भी अभी भी भीड़। सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, तब तक मैं और दिखा देता हूँ आपको बाकी बहुत सारी गाड़ियाँ। चलो फिर अंदर ही जा रहा हूँ। ये देखो क्या जगह बना रखी है, गार्डन टाइप का। इधर देखो पूरा अम्ब्रेला वगैरह लगा के, फोटोज बहुत बढ़िया आती हैं यहाँ पर। गाड़ियाँ देखना आप, लाइन देखो पूरी। ये देखो ये पास्को ऑटोमोबाइल, ये देखो बलेनो, और ये एक और बलेनो, और ये देखो ये पता नहीं मेरे को जैसे लगता है गाड़ी चाइना से आई है, जो पीछे बम्पर में नीचे लटका नहीं रखा डिफ्यूज़र जिसको कहते हैं बलेनो में, यही लगता है गाड़ी चाइना से आई है। तो ये सब तो मैं कराऊंगा ही नहीं गाड़ी में, कभी भी चाहे कुछ भी हो जाए, इको, सियाज, स्विफ्ट डिज़ायर, रेड बलेनो, और ये ब्रेजा, स्विफ्ट सिलेरियो, और ये वर्कशॉप पास्को बॉडी शॉप, ये सिलेरियो और स्विफ्ट, ये डिज़ायर, और वो उधर सियाज, ये ब्रेजा, उसके बगल में अपनी गाड़ी बलेनो, यही अपनी वाली दो गाड़ी कर दिए। और ये ना, और ये आपकी डिज़ायर न्यू फेसलिफ्ट जो है, ये स्विफ्ट, और ये आपकी वैगन आर, ये आपकी पुरानी वाली वैगन आर जो सबसे थी फाइट ब्रेजा, छत वत काली करा रखी है पूरी। ये देखो रूफ ब्लैक है इसकी। ये देखो तो सबसे पहले 2005 में स्विफ्ट आई थी, ये वो है जो आप देख रहे हैं, ये जो जाती हुई, ये 2005 वाली है सबसे पहले स्विफ्ट जो लॉन्च हुई थी। और ये आपकी डिज़ायर का फेसलिफ्ट वाइट वाली, ग्रिल चेंज हुई थी, और ये वैगन आर, और ये तो ब्रेजा है ही, और वो बलेनो अपनी डार्क कलर है, थोड़ा जूम मारना पड़ता है, दिखी होगी आपको वो जो फिनाइल की बॉटल रखी है उसके जो साइड में।
मज़ा आ रहा है यार यहाँ पे मेरे को बहुत ज़्यादा, मतलब अच्छा लग रहा है एकदम ठंडा ठंडा, और ये जो अम्ब्रेला वगैरह लगा रखे हैं अपने, आराम से इंजॉय करो बैठ के। और वो अंडर वुड वॉशिंग भी हुई थी इसकी, पार्सल ट्रे वगैरह निकाल ली थी, पूरी वॉश हो चुकी है अपनी बलेनो, आपको पता ही मेरे पास बलेनो है। और इसकी डिलीवरी भी वीडियो मैंने बनाई थी, नहीं देखी आपने तो आई बटन में आ रही है, देख लीजिए आप वो भी जब वहाँ पे जाके। अब ज़रा जान लेते हैं जो 40 किलोमीटर डेली कार ड्राइव करते हैं उनको अगर कुछ कहना है तो इस बारे में फर्स्ट सर्विस जब हो रही है बताइए। डेली 40 किलोमीटर का रन है गुड़गांव टू ऑफिस मेरा मानेसर में, मानेसर है मेरा ऑफिस है, गुड़गांव से 20 किलोमीटर अप एंड 20 किलोमीटर डाउन है, टोटल 40 किलोमीटर डेली चलती है गाड़ी। और जो मैंने ये गाड़ी खरीदी है पास्को अलीपुर जो सोना में लगता है वहाँ से खरीदी थी, बट उनका नेटवर्क इतना अच्छा है कि मेरे नियर बाई भी एक इनका सर्विस स्टेशन है नियर राजीव चौक जी, तो मैं आज वहाँ आया हूँ फर्स्ट सर्विस करवाने के लिए। यहाँ की फैसिलिटीज़ और हॉस्पिटैलिटीज़ बहुत अच्छी लगी मेरे को, बैठने की जगह है, प्रॉपर टैकल कर रहे हैं यहाँ के लोग, सर्विस भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत क्विकली कर रहे हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही हैं हाँ। प्रॉपर तरीके से और क्विकली कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि शॉर्टकट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। और आई एम टोटली सेटिस्फाइड विद दिस एक्टिविटीज ऑफ पास्को, तो आई एम फुली सेटिस्फाइड नाउ। और बाकी देखते हैं डिलीवरी के समय कुछ ऐसा मुझे ऑब्जर्वेशन आती है, वट एवर ऑब्जर्वेशन वी हैड ऑलरेडी प्रोवाइडेड टू देयर रिप्रेजेंटेटिव, दे कन्फर्म ऑल दिस प्रॉब्लम विल बी टेक केयर एंड आफ्टर सेटिस्फेक्शन यू विल रिलीज फ्रॉम हेयर। मुझे ऐसा लग रहा है कि सेटिस्फैक्ट्री होगा जो फर्स्ट सर्विस है, ओवरऑल आई एम सेटिस्फाइड राइट नाउ। बलेनो के बारे में क्या बोलना चाहेंगे, 8 लाख की गाड़ी है वो, कोई स्पेंड करे 8 लाख उस पर कि नहीं, खासकर जीता गाड़ी 8 लाख की है, दिस इज़ वैल्यू फॉर मनी। और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है पिछले एक महीने में जो मैं ड्राइव कर रहा हूँ, ड्राइविंग अच्छी फील है, स्मूथ चलती है, माइलेज भी जो मैं सिटी के अंदर 18 मिल रहा है मेरे को जो मैंने अभी कैलकुलेट किया है, वैसे तो गाड़ी दिखाती है कि 20, 21 और 19 प्लस, बट आफ्टर माई कैलकुलेशन इट इज़ ऑब्जर्व 18.5 समथिंग, अच्छा, सो इट्स क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। ओके ओके, जितना मेरी एक्सपेक्टेशन थी वो मीट हो रही है। सो रिकमेंडेशन पॉइंट ऑफ व्यू, अगर किसी के पास बजट है 7 से 8 लाख के बीच का तो बलेनो ले सकते हैं, नो इशू। अच्छा, आप पहले डेल्टा ले रहे थे, बलेनो का डेल्टा ले रहे थे, मैंने बोला तो जीटा लिया, तो आप क्या कहना चाहेंगे जो डेल्टा ले रहे हैं उनको अपग्रेड करना चाहिए? डेल्टा ले रहा था अगर उस समय लॉकडाउन से पहले का डिसीजन था, अगर उस समय ले लेता तो ले लेता, उसमें भी काफ़ी रिव्यू और रिसर्च की थी, लेकिन आपने जो सजेस्ट किया तो हमने रिविजिट किया अपने डिसीजन पे, तो देखा कि बहुत सारे फीचर्स ऐसे मिल रहे हैं जो मुझे नहीं मालूम थे, और करीब 70-75,000 एडिशनल देने के बाद मैंने अपग्रेड किया अपने आप को और जीटा मॉडल पे गया, तो दैट इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, मेरा डिसीजन मुझे अब सही लग रहा है। जिसका बजट टाइट है उसको मतलब थोड़ा स्ट्रगल करना चाहिए 75,000 के लिए जीटा लेने। अगर बजट है, मैं यही कहूँगा, अगर बजट तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर बजट है 70-75,000 एक्स्ट्रा एक्सीड कर सकते हैं, अगर कैश में प्रॉब्लम है तो अगर फाइनेंस करा रहे हैं तो फिर 75,000 कुछ भी नहीं होता, दो तीन EMI ज़्यादा जाएगी बस। सो जीटा मॉडल पे जाना चाहिए, अगर कुछ कंस्ट्रेंट हैं तो डेल्टा भी कोई बुरा नहीं है, डेल्टा भी ठीक ठाक है, फीचर्स अच्छे हैं। अच्छा, अब डिज़ायर का बताइए, अगर इसी बजट में डिज़ायर भी आती जो बलेनो की सिबलिंग है, डिज़ायर भी बलेनो की सिबलिंग ये इसी बजट में आती है वो भी, उसके बारे में क्या कहना है? ये अपनी अपनी पसंद है, 3 बॉक्स गाड़ी है डिज़ायर, वो अपनी गाड़ी आ रही है मैग्मा ग्रे कलर वाली, ये वाली बलेनो सर्विस होके पूरी धो के घुमा के लेके आ रहे हैं। वो ले गए, चमक तो पूरी रही है, सही से धो दी। तो मतलब जिनका सेडान का है, तो सेडान का है, 3 बॉक्स गाड़ी है, और जो प्रोफेशनल्स हैं ज़्यादातर वो लोग प्रिफर्ड करते हैं उसको, बट अपनी अपनी चॉइस है, अपना अपना टेस्ट है, तो
काफ़ी चीज़ें रिसर्च मैंने बेलिनो और डिजायर दोनों भी माइंड में थी, बट अल्टीमेटली डिसीजन बेलिनो पे हुआ। तो अगर डिजायर भी कोई बुरी गाड़ी नहीं है, अगर किसी को डिजायर पसंद है और लुक आ रहा बजट है तो डिजायर में भी जा सकते हैं। 50,000 एक्स्ट्रा लगेगा डिजायर एक सेटिस्फैक्ट्री मॉडल में जाने के लिए डिजायर को। और जो अभी नई i20 आई है वो नई i20 मैंने फिजिकली तो रोड पे नहीं देखी अभी, बट टेलीविज़न पे जो एड देखे हैं तो मुझे तो पसंद नहीं आई टू बी वेरी फेयर। और सुना है उसका मतलब कॉस्ट भी कुछ ज़्यादा ही है। हाँ, टॉप मॉडल मोर देन 10 लाख है, 12 लाख का डीजल मैनुअल। तो अगर 12 लाख i20 ले रहे हो तो आई विल नॉट रिकमेंड एनीबडी। एक हैचबैक के लिए 8 लाख से ज़्यादा देना वैल्यू फॉर मनी नहीं, क्योंकि 8 लाख में SUV भी आना शुरू हो जाती है। SUV अगर आप, मेरे फ्रेंड ने इको स्पोर्ट्स लिए टॉप मॉडल 13.5 लाख में, इको स्पोर्ट्स। अब जब टॉप मॉडल अगर 13.5 का बजट है आपका है तो फिर आपको हैचबैक क्यों, बिल्कुल। और इको स्पोर्ट्स से ऊपर सेगमेंट की क्रेटा किया सेल्टोस ये भी आ जाती है 13 लाख में आराम से, मेरा तो ये मानना है। और बाकी ऑल्ट्रोज की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है वो तो ले सकते हैं। अल्ट्रोज भी देखी थी हमने अपनी बलिनो लेने से पहले, तो अल्ट्रोज अच्छी लगी, बट कहीं ना कहीं एक मन में इच्छा थी कि मारुति सुजुकी गाड़ी चलाने की, इसलिए मैं मारुति सुजुकी पे गया। देखी टाटा भी थी, नेक्सॉन भी देखी थी, अल्ट्रोज भी देखी थी, बट कहीं ना कहीं मन आया हुआ था बलिनो पे, क्योंकि सुजुकी ट्रस्टेड है। और पहले हमारे पास शेवरलेट स्पार्क थी, वो पिछले 10 साल से मैं चला रहा था, तो मन था कि अपनी इंडियन गाड़ी को चलाने का और नियर बाय, और उसमें कुछ इमोशनल टच भी था उसका, गियर सीट शिफ्ट लीवर असेंबली गियर नॉब जो मैंने बलेनो का डेवलप की थी बलेनो की, तो कुछ इमोशनल अटैचमेंट भी था तभी ये गाड़ी लूँगा जिसमें मैं अपनी डेवलप की हुई नॉब को यूज़ कर पाऊँगा। आपकी जो बलेनो डिज़ायर स्विफ्ट सब में सेम आती हैं और सब में जिनको आप देख रहे हैं बहुत सारे मॉडल्स हैं जिसमें कि आपका हमने ये डेवलप की थी सियाल्स के लिए, और जो मारुति सुजुकी जितनी पसंद आई वो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं सुजुकी जापान में, केवल नॉब और गियर शिफ्ट लीवर असेंबली। तो नॉब क्रोम है, लो वेरियंट हाई वेरियंट दो वेरियंट आते हैं, लो वेरियंट में केवल मोल्डेड रहती है उसमें कोई क्रोम नहीं लगा होता जो आपका LXI सिग्मा वगैरह होती है इनमें, और जो हाई वेरिएंट होते हैं उसमें क्रोम भी है और ग्लॉसी ब्लैक फिनिश भी है बिल्कुल, और ये ग्रिपिंग अच्छी है, इसमें TPU मटेरियल लगा हुआ है, और जो उसके ऊपर प्लास्टिक है एक्रेलिक है जिसके बैक साइड से प्रिंटिंग है गिफ्ट से कभी गियर शिफ्ट करते हैं 1, 2, 3, 4 and R, तो कभी इरेज नहीं होंगे लाइफ टाइम, जब तक गाड़ी की लाइफ रहेगी तब तक आप नॉब कभी ख़राब नहीं होगी। सो एक इसमें अच्छा फीचर्स अच्छा डिज़ाइन है, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है जो लोगों को पसंद आता है देखने में, तो लगता है मुझे अच्छा लगता है कि मैंने डेवलप किया इस नॉब को और आज मैं वही गाड़ी खरीदी है और मैं यूज़ कर रहा हूँ। ओके। और ये ना मारुति वाले आपको अपडेट भी करते रहते हैं जब आप सर्विस पे अपनी गाड़ी, और वो हमारी गाड़ी खड़ी है जो चमक रही है मगरे कलर की, शायद दिख रही होगी, पिक्सल्स फट रहे हैं, ज़्यादा जूम करना पड़ रहा है। ज़्यादा चलते हैं वहाँ पे थोड़ा पास में, ये देखो पूरा गार्डन बना रखा है। तो ये देख लो आप, कुछ टेस्ट वेस्ट के लिए आई हुई है यहाँ पे, धो तो सही से भी। लाउड नहीं है। तो दोस्तों हो गई पहली सर्विस इस गाड़ी की, और वीडियो बनाने का पर्पस बस यही था ताकि आपको पता चल जाए जो रोज गाड़ी चलाते हैं 40 किलोमीटर उनका क्या कहना है, लेने से पहले उन्होंने क्या किया, क्या क्या देखा था, और अब क्या वो सेटिस्फाइड हैं या नहीं, वो सब इस वीडियो में है, वो आपने देख ही लिया होगा। और दूसरा ये जो आफ्टर सर्विस उन्होंने मुझे डिलीवर की है गाड़ी, वो बहुत बढ़िया की है, पूरी पॉलिश वॉलिश से चमका के,
और ये इस पर थोड़ी पॉलिश मार दी थी, थोड़ा ब्लर दिख रहा था, पर ठीक है अब हो जाएगा, वो तो उन्होंने अपनी तरफ से अच्छा ही किया है। इस पर भी सेम चीज़, और बाकी पूरा डैशबोर्ड चमक रहा है, थोड़ा लाइट पड़ने लगता है कुछ दिन बाद, पर वो पूरा चमका के देते हैं। और ये देते हैं वियर सीट बेल्ट्स, थैंक यू वगैरह ऐसे लगा देते हैं लास्ट में। और बाहर से पूरी गाड़ी चमक रही है, अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा वो। और मतलब ये वीडियो बनाने का बस यही दिखाना था आपको कि जैसे अगर वो आपको क्या कहते हैं लूटने की कोशिश करते हैं, क्योंकि फर्स्ट सर्विस फ्री होती है, और कुछ मांगते हैं तो आप क्या मांगते हैं, अगर किस चीज़ के पैसे मांगते हैं उस चीज़ के आपको देने चाहिए। देखो सबसे पहले तो अगर पॉलिश रखते हैं आपकी गाड़ी में, बिल्कुल मना कर दो, पॉलिश आप ले लो बाहर से, ठीक है, ये लोग देते हैं महंगी। उसके बाद ये अगर देना तो ये ज़रूर ले लेना, ये देख लो आप एक बार, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना आप इस चीज़ का। ये देखो ये एक्सटार स्क्रीन वॉश कॉन्सेंट्रेट, अरे वो नहीं होता है जो आपके बोनट के अंदर जहाँ वाइपर का पानी डलता है, तो पानी से ना आप किस किस इस पर अगर आप कुछ देखते हैं कुछ दिनों बाद स्क्रैच पड़ने लगते हैं, वो पानी की वजह से होता है। और ये मारुति सुजुकी का ऑथोराइज ब्रांड है, तो ये बिल्कुल सॉफ्ट होता है, मतलब विंडशील्ड फ्रेंडली होता ही है, इससे आपका कभी स्क्रैच नहीं पड़ेंगे विंडशील्ड पे। तो जो टोटल बिल आया उसका आपको बेसब्री से इंतजार होगा, वो 68 रुपीज़ का। अब आप लोग सोचोगे फ्री सर्विस में 68 रुपीज़ का बिल कोई मतलब ही नहीं है, तो वो इस वजह से, क्योंकि ये देखो ये 17 रुपये की MRP का एक, और ये दूसरा 17 रुपये की MRP का। तो अब आप बोलोगे 17 + 17 34 होते हैं, फिर भी 68 का क्यों? तो उन्होंने ऐसे दो पहले डाल दिए थे, यानी कि 34 रुपीज़ के पहले डाल दिए थे, 34 रुपीज़ के हमको दे दिए थे, इस वजह से 68 रुपीज़ का बिल आया। तो अच्छे से डील किया उन्होंने, कॉफ़ी वॉफ़ी पिलाते रहे पूरा बढ़िया से। और गाड़ी कैसी लग रही है, क्या चमक रही है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और लाने ले जाने में एक दो बार अंदर बाहर करने में थोड़ी गंदी हो गए हैं टायर, बाकी उन्होंने चमका के दी थी। ये देखो ये बीप मार रही है क्योंकि चाबी मेरे पास है और मैं बाहर आ गया। ये देखो पूरी पूरी चमका के दी थी। देख रहे हो कैसे देते हैं, और पूरा बूट वूट देखो, पूरी पार्सल ट्रेन निकाल के उन्होंने साफ की थी, पूरी चमका दी, मतलब कोई कसर छोड़ी नहीं। और चलो अब जरा अंदर चल लेते हैं। तो मेन यही था कि क्या क्या उन्होंने किया, कैसे कैसे किया, तो ये आपको अगर पागल बनाता है तो आप भी आपको बोल सकते हो, और एज अ प्रूफ इस वीडियो को दिखा सकते हो कि सर पहली सर्विस में तो ये होता है, ये कैसे क्वेश्चन भी आप उनसे कर सकते हो इस चीज़ का। और बाकी कुछ नहीं हुआ, आपने सब कुछ देखा, वॉशिंग भी पूरी ऊपर चढ़ा के करते हैं, हाई प्रेशर से पूरा नीचे भी धो देते हैं, और एंटी पेंट या एंटी डस्ट करके इनका कुछ होता है वो बिल्कुल मत करवाना, ठीक है। और अंदर जैसा कि अभी आपने वीडियो में देखा, मैं वीडियो बना रहा था, थोड़ी सी इन्होंने मना कर दिया, इनकी भी कुछ पॉलिसीज होती हैं, मतलब पहले मैंने पूछा नहीं था, ये आप मेरी गलती मान सकते हैं, मैंने बिना पूछे बनाई, क्योंकि देखो अगर मैं पूछता तो वो मना कर ही देते, पर मैंने ये दिमाग लगाया कि बिना पूछे बनाऊंगा तो सोचेंगे बना रहे हैं बनाने दो, तो एक बार सोचते हुए मना करने से पहले, और मैंने सोचा मना कर देंगे तो ठीक है नहीं बनाऊंगा, वरना चुपके चुपके मैं बना लेता हूं थोड़ी बहुत आप लोगों के लिए। और ठीक है मना कर दिया, तो मैंने फिर कुछ कहा नहीं, मैं आ गया, लेकिन वीडियो तो मैंने तब भी बना ही ली, ठीक है। तो यही थी वीडियो, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू, पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, और हेल्पफुल लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, और आगे भी ऐसी हेल्पफुल वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।